नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश सरकार चिंतित है और सतर्क भी। सरकार कोरोना पर रोकथाम के लिए अब सख्त हो गई है। रविवार को मध्य प्रदेश में अब टोटल लॉकडाउन लगाने का फैसला भी लिया गया है। इसके अलावा मास्क न लगाने पर 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। पश्चिम बंगाल से लौटने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर आपात बैठक ली और उसमें यह फैसला लिया गया। वहीं उसके पहले मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के लिए बसों के परिवहन पर रोक लगा दी गई थी। अब लोग अपनी गाड़ी या ट्रेन से ही महाराष्ट्र जा सकेंगे। वहीं शिवराज सिंह चौहान और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों से समर्थन की अपील भी की है। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि ठीक एक साल बाद भी हम क्यों वहीं के वहीं लॉकडाउन के मुहाने पर खड़े हैं, जबकि पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन तय कार्यक्रम के हिसाब से चल रहा है, मगर लोगों की लापरवाही हम पर ही भारी पड़ रही है। कोरोना बढ़ रहा है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर बड़ी संख्या में संक्रमित आ रहे हैं भाई और बहन, और इसलिए हमें कुछ सख्त कदम भी उठाने होंगे। और इसलिए रविवार के दिन, संडे के दिन, शनिवार की रात को 10 बजे से लेकर सोमवार को सवेरे 6 बजे तक इन शहरों में लॉकडाउन रहेगा। ये कोरोना का संक्रमण पर मेरे तरफ से भी जनता के प्रति एक विनम्र पूर्वक अपील है, इसे लाइटली ना लें। शिवराज सिंह जी संक्रमित हुए हैं, मैं संक्रमित हुआ हूं, तो कृपा करके इसे लाइटली ना लें। नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं, यूके का स्ट्रेन, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन, ब्राजीलियन स्ट्रेन। कृपा करके सब लोग सावधानी बरतें, मास्क पहने, और जब तक इसे हमें पूर्ण रूप से भारत से मिटाकर हम लोग ना रहें, तब तक हम लोग एक सेकंड भी चैन से न बैठें। वैक्सीन सभी लोग इस्तेमाल करें। लॉकडाउन जो है, जैसे कलेक्टर साहब ने बताया, हम लोग जो है पूरी सख्ती के साथ उसको इम्पोज करेंगे, अनाउंसमेंट्स करेंगे, जनता का सहयोग आपके माध्यम से ही मांगेंगे, अनाउंसमेंट्स के माध्यम से भी करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि जो एक्सेप्ट फॉर परीक्षार्थी या इन्विजिलेटर जो जा रहे हैं वहाँ पे, उनके अलावा ये कोई मेडिकल इमरजेंसी के साथ कोई व्यक्ति है, इसलिए हम लोगों ने अपने जितने भी जो भी चेकिंग पॉइंट्स हैं उसको सेंसिटाइज किया है कि इन लोगों को जो है अकोमोडेट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई आदमी अगर फालतू घूम रहा है तो हम उस पर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। पूरे पूरा जिले का जितना भी बल है, सब लोग तैनात रहेंगे। ऑलमोस्ट अराउंड 2500 से 3000 लोग जो है तैनात रहेंगे अलग अलग लोकेशन पे। आउटर नाके भी लगाएंगे, इंटरनल नाके भी लगाएंगे, अनाउंसमेंट्स भी करेंगे, अपने गाड़ियां भी रिक्विजिशन करेंगे जो कि अनाउंसमेंट्स करेंगी, और इसके अतिरिक्त पीए सिस्टम्स भी कुछ जगह इंस्टॉल कराएं, ड्रोन्स का भी उपयोग करेंगे ताकि सफल लॉकडाउन हो। तो लॉकडाउन के मुहाने पर अब प्रदेश खड़ा है और कल रविवार को प्रदेश में 3 महानगरों में लॉकडाउन रहेगा। और इसी खबर पर अब हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। ये उनका परिचय आपसे करा दें। सबसे पहले रजनीश अग्रवाल जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और भाजपा के प्रदेश मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं, और विधायक कुणाल चौधरी, कांग्रेस विधायक जुड़ गए हैं, और प्रदीप तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रजनीश जी, आपसे ही सवाल, एक साल वही हाल, ऐसा क्यों? देखिए, निश्चित तौर पर जो कोरोना का संक्रमण है उससे बचने बचाने का उपाय लगातार साल भर से चलता आया है, और हमने वो दिन भी देखे हैं कि कहीं किसी प्रकार की भी लॉकडाउन या धारा 144 या अन्य प्रकार के प्रतिबंध से मुक्ति मिली और सभी लोग अपना तमाम प्रकार की गतिविधियां करने से जुट गए। मुझे लगता है कि कोई भी सरकार आखिरी उपाय के तौर पर ही लॉकडाउन को लगाने का विचार करती है, क्योंकि जिस प्रकार के हालात अभी बड़े हैं फिर से महाराष्ट्र के कारण, महाराष्ट्र में तो कभी सामान्य स्थिति आई ही नहीं, और देश का सबसे ज्यादा अगर संक्रमण फैला है तो महाराष्ट्र में फैला, और मैं महाराष्ट्र के लोगों को, निवासियों को नहीं, लेकिन वहां से देखरेख करने वाली सरकार, वहां के गृह मंत्री, कांग्रेस के नेता जो आए दिन जिस प्रकार से लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर के ट्वीट की जांच करवाने की तो बात करते हैं, पर जिस प्रकार से उनको उपाय बरतना चाहिए नहीं बरतते। हम पड़ोसी राज्य हैं, उसके कारण संक्रमण तेजी से हमारे यहाँ भी बढ़ा, हमने रोकने के प्रबंध ये हुए हैं, लेकिन आम जनमानस जब तक लापरवाही बरतेगा, कोई भी उपाय
सार्थक नहीं हो सकते, और इसलिए लॉकडाउन अभी संडे का केवल, क्योंकि संडे छुट्टी का दिन होता है, संडे को आप एहतियात के तौर पर लॉकडाउन का पालन आसानी से कर सकते हैं, आर्थिक गतिविधि प्रभावित ज्यादा नहीं होगी। और मुझे लगता है कि ये अगले रविवार तक भी ना जा पाए तो इसका ख्याल सब करेंगे, और सभी समाज संगठन, तमाम प्रकार की संस्थाएं इस ओर विचार करेंगी, क्योंकि इससे कोई अछूता नहीं रहता, ये किसी को व्यक्ति को देख के नहीं आता, ये रोग अपने ढंग से अपनी तासीर के हिसाब से फैलता है, और वो किसी रंग रूप वेशभूषा या जाति पंथ को देखकर नहीं आता, और ये बात मुझे लगता है समझने की सबको है। जी बिल्कुल रजनीश जी, एक बात और कि जिस तरीके से पिछले एक साल से आप देखें कि बिल्कुल लापरवाही बढ़ती गई, ये माना जाएगा क्या कि अब सख्ती बढ़ती जा रही है, ये लापरवाही का नतीजा है? यदि पहले से ही सरकार कुछ ऐसे निर्णय लेती कि समय समय पर अवेयरनेस फैलाती, या फिर वैक्सीनेशन जैसे हो रहा है तो वैक्सीनेशन के बाद भी इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, तो इसको कैसे देखा जाए रजनीश जी? नहीं, पहली बात तो ये सरकार ने तो लगातार जागरूकता फैलाई ही है, जो पक्ष सरकार के इस काम के लिए लगे हैं वो लगातार करते रहे, सोशल मीडिया में लगातार सभी पक्ष जो है जागरूकता फैलाने का काम किए हैं। दूसरी बात वैक्सीनेशन की है, 45 साल से ज्यादा उम्र के जो किसी गंभीर निर्धारित रोगों से पीड़ित हैं उनको वैक्सीनेशन है, और जो वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, उनको वैक्सीनेशन है। वैक्सीन के ऊपर सवाल उठाने वाली कांग्रेस रही है, स्वयं दिग्विजय सिंह रहे हैं, अच्छा धन्यवाद कमलनाथ जी को जो स्वयं वैक्सीन लगवाकर, और उन्होंने प्रोत्साहित किया। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार सहायता केंद्र चला रही है, घर घर से लोगों को लेकर जा रही है, वैक्सीन लगवा रही है। अगर अधिकतर वैक्सीनेशन होगा तो इसका निश्चित तौर पर संक्रमण फैलने में हम रुकावट एक नाते भी कर पाएंगे, करना भी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लोग तो वो लोग हैं जो वैक्सीन पर ही सवाल खड़े करते रहे, तो इनसे तो खैर आशा है नहीं, लेकिन हाँ वैक्सीनेशन को तेजी से अपनाने का काम करना ही होगा, और वैक्सीन लगवाएं सभी वैज्ञानिक डॉक्टर्स इस बात को लेकर लगातार अपनी बात कह रहे हैं, हमारे वैज्ञानिकों का गौरव है, और इसको अपनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीन लगवाने के लिए निर्धारित केंद्रों पर जाएं, और हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं, हमारे हेल्प सेंटर्स भी खुले हुए। बिल्कुल कुणाल जी, आपने रजनीश जी को सुना, अब लॉकडाउन के मुहाने पर प्रदेश खड़ा हुआ है, यानी कि कल पहला लॉकडाउन लगेगा एक साल बाद, तो ऐसे में अब आपका क्या नजरिया रहेगा? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि बड़ी बड़ी बातें, और पूरी कांग्रेस को जितनी गालियां दे सकते थे, जितनी जिस तरीके से कह सकते थे, रजनीश भाई ने बोला पर ये नहीं बताया कि शराब की दुकान रोज रात को 12 बजे तक क्यों खोलने का निर्णय लिया गया। कि अगर शराब की दो बोतल आपकी जेब में है तो आपको आने जाने का पास है, मतलब शराब की दुकान 12 बजे तक खोलेगी, सारी चीजें 8 बजे बंद हो जाएगी। कोई को मतलब अगर रोटी के लिए आटा चाहिए तो वो नहीं मिल सकता, दवाई चाहिए तो वो बहुत मुश्किल से मिलेगी, पर शराब चाहिए तो आपको शराब जरूर मिल सकती है। अभी इसका एक विचार करते बता देते बढ़िया। मुख्यमंत्री आसाम के चुनाव में व्यस्त है, मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की स्थिति है, किसान के ऊपर ओला पाला सब हो गया, मुख्यमंत्री चुनाव में व्यस्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, गृह मंत्री बंगाल के अंदर व्यस्त है, और टोटल चुनाव के अंदर व्यस्त रहकर कांग्रेस को गाली वहां पे भी देते हैं, यहाँ पे भी देते हैं कि भैया कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस के राज्यों में अपने राज्य खुद से समझ नहीं रहे। आज आप टेस्टिंग के अंदर राजस्थान को देख लो और मध्य प्रदेश को देख लो कि कितनी कम टेस्टिंग ट्रेसिंग उसका जो तरीका है, टेस्टिंग ट्रेसिंग और क्वारंटाइन भी है, इसको करने की बजाय बड़ी बड़ी लूट। आप पर मैंने ही सवाल लगाया था, लगभग कितने करोड़ रुपए 808 हॉस्पिटलों को बांटने का काम कर दिया, और उसमें जब सवाल पूछा कि क्या क्या किस तरीके से करा, तो कोई भी तरीका नहीं। जब मार्च में कोई पेशेंट नहीं था उस समय 5 करोड़ रुपए दे दिए गए, जनवरी फरवरी में कोई पेशेंट नहीं था, 5-5, 7-7 करोड़, 10-10 करोड़ रुपए हॉस्पिटल को दे दिए गए, और बड़ी एक लूट इन्होंने कर रखी। और कहीं ना कहीं रोज कहते हैं कि महाराष्ट्र के लोग आएंगे तो उसको 7 दिन रहिए, वो मुख्यमंत्री रोज जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, रोज यहाँ के इनके मंत्री जाते हैं, जनता के पैसे को बर्बाद करते हैं, रोज प्रचार में ऐसे जा रहे हैं जैसे दिन भर सुबह से शाम तक रोटकी करने जा रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें करेंगे, यहाँ पे मास्क पहनेंगे प्लेन के अंदर, प्लेन से जैसे ही उतरेंगे मास्क नहीं रहता है, सभा में जाएंगे तब मास्क नहीं रहता है, सभा में जाएंगे तब कुछ नहीं रहता है। तो मुख्यमंत्री को बस यहाँ पे भाषण देना है, वहां पे अलग भाषण देना है, जब प्रवक्ता आएंगे तो कांग्रेस इससे, कांग्रेस ने बिल्कुल, कांग्रेस तो पहले से इससे तैयार करा था, कांग्रेस ने पहले कहा था जब इनके लोग देश में मान नहीं रहे थे, जब हमने मना किया था कि ये नमस्ते ट्रंप छोड़ दो, वो ट्रंप भी चला गया और कोरोना पे भी देखे चला गया, किसने करा था नमस्ते ट्रंप, देश के विश्व में स्ट्रेंथ था, नमस्ते ट्रंप कौन कर रहा था, इसके ऊपर जवाब क्यों नहीं देते? जब एयरपोर्ट लॉकडाउन करने थे
तब एयरपोर्ट तो लॉकडाउन करे नहीं और पूरे हिंदुस्तान को लॉकडाउन करने की जरूरत पड़ी। पहले ही कहा था कि चाइना और बाहर से आने वाले किसी एयरपोर्ट बंद कर दो, तो ना तो तरीका है ना इनके पास। नहीं, अभी तो सरकार ने सिर्फ 3 महानगरों को लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है, जबलपुर, भोपाल, इंदौर। कुणाल जी, बिल्कुल लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है जी। आप स्थिति समझे, कल एग्जाम रख दी एमपीपीएससी की, अब स्टूडेंट्स कैसे जाएंगे आएंगे, ना साधन है ना संसाधन है। हजारों लाखों स्टूडेंट एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पर उसकी कोई चिंता नहीं। या तो भैया एग्जाम की डेट एक दो दिन बढ़ा दो, अगर आपने लॉकडाउन रखा है तो उसमें जाएगा कैसे, किस तरीके से एग्जाम सेंटर तक पहुंचेगा, कहाँ सेंटर बने हुए, कहाँ का व्यक्ति है, किस तरीके से, कोई चिंता कोई फिक्र नहीं। बस हमारी मर्जी आएगी जब हम वो कर देंगे। चाहे संडे जब एग्जाम थी तो उसके अगले दिन आप लॉकडाउन कर लेते, एक दिन का ही करना है अगर आपको एक दिन से सारा फर्क पड़ रहा है। तो ना नीति है ना नियत है ना सोच है, उससे जो इच्छा हो। क्या मंत्री मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे प्रचार करने लॉकडाउन कर देने, तो क्या घर से वहां तक नहीं जाएंगे, एयरपोर्ट एयरपोर्ट से वहां तक नहीं जाएंगे? वो अपने प्रचार जारी रखेंगे, जनता की कोई फिक्र नहीं है, किसान प्रताड़ित है, पर कहीं ना कहीं बस कांग्रेस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। सत्ता में रह के लूट सके तो लूट योजना में लगे, कई सवाल पैदा होते हैं कि आप शराब की दुकानें क्यों खोलते हो। बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब रजनीश जी से ले ले रहे हैं। रजनीश जी, आपने सुना कुणाल जी को, वो कह रहे हैं शराब की दुकानें 12 बजे तक खुली रहेंगी, यानी कि बोतल जेब में हो तो पास है आपको कोरोना में या लॉकडाउन में आने जाने का। देखिए, मुझे लगता है कि सकारात्मक भाव से प्रस्तुत होने की बजाय कांग्रेस अराजकतावादी, कांग्रेस जिस प्रकार के वितंडावादी रची है, वही स्वभाव और वही बोल वचन कांग्रेस के नेताओं के विधायकों के पूर्व मंत्रियों के उजागर होते हैं। एक सकारात्मक भाव से कि हमें पालन करना चाहिए। राजस्थान की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल और छत्तीसगढ़, 69% देश का 69% संक्रमण फैलने का काम और मृत्यु होने का, सबसे ज्यादा मृत्यु तो महाराष्ट्र में, जहाँ गृह मंत्री स्वयं कांग्रेस के नेता हैं, और राजस्थान में हालात बदतर हुए। और ये सरकारों के आंकड़े हैं, उनकी खुद के सरकारों की, कोई भाजपा ने आंकड़े वहां के नहीं, राजस्थान के बनाए हैं या महाराष्ट्र के बनाए हैं या केरल के बनाए हैं, और ये उजागर इसी के कारण होता है। और मध्य प्रदेश में मैंने कहा कि निकटस्थ जो राजस्थान और महाराष्ट्र है, उनके कारण, सबसे बड़ी तादाद में महाराष्ट्र के कारण हम प्रभावित हुए हैं, लोगों का आवाज आई, और रोकना पड़ेगा, सरकार रोकेगी, सख्ती से रोकेगी। और इसमें अपील सकारात्मक करने की बजाय, वैक्सीनेशन को प्रमोट करने की बजाय, वैक्सीनेशन करवाने के लिए स्वयं एक राजनीतिक दल के नेटवर्क को लगाने की बजाय, केवल आरोप प्रत्यारोप, घटिया बात, बच्चों की परीक्षा जिन पीएससी में देने वाले हैं उनके लिए बसों की व्यवस्था करवाने का काम हुआ है, सरकार ने करवाई है, अपने खर्चों पर करवाई है, तमाम प्रकार के प्रबंध सरकार करवा रही है। मुझे लगता है कि इनका कोई हल नहीं हो सकता ये, क्योंकि अराजकतावादी हो चुके हैं और दंडता इनके स्वभाव बन चुके हैं। इसलिए उनको मुबारक हो, लेकिन जनता समझे, इस संक्रमण से बचने का उपाय अपनाए और इसमें कहीं कोई किसी प्रकार की हीला हवाली ना करे, तो इसी में भलाई उनकी है, उनके परिवार की है, समाज की है, देश की है। हम अब उस हालात में नहीं जा सकते कि हम आर्थिक गतिविधियों को रोकें और लंबा लंबा लॉकडाउन 8 दिन 10 दिन 12 दिन के लिए अपनाएं। इससे नुकसान हमारा स्वयं का आर्थिक दृष्टि से होता है और राज्य और केंद्र का भी होता है, देश का भी होता है। इसमें कहीं कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए और सभी वर्ग यही अपील कर रहे हैं कि जो डूज एंड डोंट्स है उनको अपनाना ही होगा, बिना किसी किंतु परंतु के। तूने मास्क क्यों नहीं पहना? मैं नहीं पहनूंगा। अरे भाई, तूने पहना नहीं पहना, वो उसको तमाम प्रकार के पक्ष देख रहे हैं, हम तक पहने ना जी, और पहनने की बात करें ना, कोई भी हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो। चलिए, प्रदीप जी भी जुड़े हुए हमारे साथ। प्रदीप जी, जिस तरीके से आपने रजनीश जी को सुना, कुणाल जी को सुना, तो अब आपको क्या लगता है, लॉकडाउन जिस तरीके से सरकार ने, ये एक्शन मोड में सरकार आई है, आप पहले देखें कि पहले कर्फ्यू की बात, फिर 500 रुपए जुर्माने की बात, उसके बाद एक दिन का लॉकडाउन, वो भी 3 महानगरों में, कैसा देखते हैं आप इसको? बहन जी, ये निश्चित तौर पर परेशानी का सबब बनता जा रहा है आम जनता के लिए। आप देखेंगे तो महाराष्ट्र हो या राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ सब जगह संख्या बढ़ रही है कोरोना पॉजिटिव की, और उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो क्षेत्र, मतलब जो आम जनता की है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क ना लगाना, इन सब गलतियों के कारण ये सारी परेशानियों का सब बनता जा रहा। हालांकि इसका एक बड़ा समाधान हो गया है, वैक्सीन आ गई है, लोगों को वैक्सीन लगने चालू हो
हो गई है। तो मुझे लगता है कि अगर तीव्रता तीव्र गति से वैक्सीनेशन होने लगेगा पूरे मध्य प्रदेश में तो इसकी थोड़ी कमी आएगी, परंतु अभी लोगों को ये समझने की जरूरत है और सरकार को भी इसमें कठोर सख्त नियम बनाने की आवश्यकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग लोग मेंटेन करें, स्कूल कॉलेज थोड़ा अभी डिले खुले, और जो संस्थान है जो बड़े संस्थान है वहाँ जिन कर्मचारियों को जरूरत हो उनको बुलाया जाए, बकाया उनके घर से ही वर्क फ्रॉम होम किया जाए, तो इन सब कारणों के कारण हम थोड़ा इस महामारी से बच पाएंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया इस महामारी को झेल रही है और भारत में भी बहुत परेशानियों का भी, चूंकि पिछले दिनों में आप देखें कितना लॉकडाउन रहा, कितनी सारी समस्याएं आम जनता के लिए भी हुई, सरकार के लिए भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो अब हमें अब समझने की जरूरत है, आम जनता को भी समझने की जरूरत है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो चाहे वो जर्नलिस्ट हो, इन सब लोगों को ये समझने की जरूरत है कि मास्क बहुत जरूरी है। अगर मास्क हम नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, हम पार्टियां करेंगे और होटलों में जाएंगे, तो मुझे लगता है इन सब चीजों से इन्हीं कारणों से ये बीमारी फैलेगी, और बीमारी फैलेगी तो इसका बहुत ज्यादा कोई ऐसा वो नहीं है कि आप अगर समझदारी नहीं दिखाएंगे तो इससे परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए बीमारी से अगर बचना है, इस महामारी से बचना है, लॉकडाउन से बचना है, तो आम जनता को भी और सरकार को भी इसको लिए बाध्य करना पड़ेगा कि इन सब जो सरकार ने नियम बनाए हैं, जो वैक्सीनेशन के लिए जरूरी है, उन क्रियाओं को ये करें, और आम जनता के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल, कुणाल जी ने जिस तरीके से बोला है शराब की दुकानें 12 बजे तक खुलेंगी, तो गाइडलाइन में क्या शराब की दुकानें 12 बजे तक खुलने का मतलब इसका नजरिया कैसा रहेगा कि अब शराब की दुकानें ही 12 बजे तक खुलेंगी? और उसके अलावा एक चीज और प्रदीप जी, इवेंट पर क्यों नजर नहीं है? आप देखें कहीं सभा होती है नेता की, आप चाहे दमोह की सभा देख लें, चाहे कल दिग्विजय सिंह वहां बड़ा मलेरा गए हों, वहां जब फोटो तस्वीरें वीडियो सामने आते हैं तब वहां पर तो कोई मास्क नहीं लगाता है, वहां पर क्यों कार्रवाइयां नहीं होती हैं फिर? महेंद्र जी यही सब कारण है, आप हम किसी व्यक्ति की नहीं बात कर सकते, हम ये कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी फोरम में जब कोई संगठन का चुनाव होता है या कोई रैली होती है तो उस समय सरकार क्यों कार्रवाई नहीं करते? ये कुणाल जी जो बात कर रहे हैं वो बात सही है कि भाई हम 8 बजे फॉर्च्यून की दुकान बंद कर देते हैं, चाय की दुकानें, खाने के भोजन की दुकानें बंद करवा देते हैं, लेकिन हम शराब की दुकान नहीं बंद करवाए, तो उसके लिए भी कोई नियम बने ना कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक लॉकडाउन है अगर, तो इसलिए ये भी दुकानें प्रतिबंधित रहेंगी। तो मुझे लगता है कि सरकार को सोचने विचार करने की आवश्यकता है अब, ये अब वो समय आ रहा है जिससे आम जनता को परेशानी है और लॉकडाउन कब से सामना न करना पड़े, तो जो ये रैलियां होती हैं उन पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, जो पार्टियां हो रही होटलों में उसमें भी प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। भाई आप करिए पार्टी, करिए 5-6 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करके, अपने परिवार में अगर कोई बड़ा फंक्शन है तो लिमिटेड लोगों को बनाइए, पासेज जारी करिए, तो जो पहले प्रक्रिया थी उसको अब अपनाएंगे अगर और कठोरता से पालन कराएंगे तो मुझे लगता है कि इस बीमारी से हम पार पा सकेंगे, अन्यथा हमको उन फिर पूर्वता जिस तरह मार्च और अप्रैल में हम झेले हैं उसी तरह फिर झेलना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन का भी एक समय है और जिस तरह से हम वैक्सीन की प्रक्रिया अपना रहे हैं कि अभी हम उन लोगों को दे रहे हैं वैक्सीन का डोज दे रहे हैं जो काफी गंभीर बीमारी से प्रभावित है। बिल्कुल कुणाल जी, जैसा प्रदीप जी ने बताया, समय लगेगा। जी जी कुणाल जी, जैसा प्रदीप जी ने बताया कि जो नेतागण होते हैं यानी कि जिम्मेदार विपक्ष के नाते, आप क्या भूमिका अदा कर रहे हैं कोरोना से बचाव में? क्योंकि आपका कल की ही वीडियो तस्वीरें आई थी, दिग्विजय सिंह जी टीकमगढ़ और बड़ा मलेरा पहुंचे थे, वहां पर इतनी तादाद में लोग थे, शायद ही इक्का दुक्का मास्क लगाए थे, तो ऐसे में क्या आपके बड़े नेता या आप एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते कोई भूमिका अदा करेंगे प्रदेश में कोरोना बचाव को लेकर? जहाँ हत्या हो जाएगी वहां तो जाना पड़ेगा, अगर हत्या हो गई एक ब्लॉक अध्यक्ष की, नहीं नहीं जाना पड़ेगा वो कोई बात नहीं, लेकिन उसका पालन जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं कर रहा है। ये शिवराज जी को पालन थोड़ा सिखा है जी, कि कौन सा पालन क्या सभा है, बंगाल की सभा नहीं देख रहा है आप, रोज की सभा छप रही है, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, प्लेन के नीचे उतर के सभाओं में कितने मास्क है मुख्यमंत्री के, यहाँ पे शराब की दुकान पे जवाब नहीं देंगे, क्यों खोल रखी है शराब की दुकान मध्य प्रदेश के अंदर? किसान की बात कर रहे थे तो सदन से भागने का काम कर दिया, यहाँ पे सदन के अंदर बैठ के क्या, सदन के अंदर बैठ के इससे कैसे होगा कैसे नहीं होगा इस पर चर्चा नहीं हो सकती थी, जबकि उस पर चर्चा छोड़ के पूरी तरीके से भग के, और यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग और प्रोग्राम नहीं जम है? अभी क्या चुनाव की सभा है पूरे देश के अंदर, कभी कृषि मंत्री जाते हैं, कभी गृह मंत्री जाते हैं, कभी वहां पे वो जाते हैं, और प्रदेश के अंदर हालात क्या है, क्या कानून व्यवस्था बिगड़े? आप मत जाओ, आप वहां पे बच्चों के एग्जाम हो उसकी बात मत करो, क्यों
एग्जाम के दिन आपको या तो अगर या तो सोमवार शनिवार को आप लॉकडाउन कर लेते अगर इस तरह की स्थिति है तो एग्जाम वालों का क्या, बच्चों का कैसे जाएंगे, उनके माता पिता कितने घबराए हुए किन परिस्थितियों में, इनको भाषण देना है कि हमने बस का कर दिया, देखें कई इंतजाम बसों के, उन पैदल चलते लोगों के लिए भी देखें जिनके नाम से पैसे निकले, बस तो इस बार हर बार करी जाती है कि बस के नाम से पैसे निकल जाए, संसद में देते हैं इतने करोड़ का हमने पैसा लगा के वहां पे लोगों को लेके आए और पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है कि कितने लोग पैदल किस परिस्थितियों के अंदर चले, खुद इनके प्रदेश अध्यक्ष भी एक चप्पल बांटने गए थे, वो चप्पल बांट रहे थे पैदल चल रहे थे चप्पल बांट रहे और कह रहे हमने एक आदमी को पैदल नहीं चलने दिया, तो झूठ की पराकाष्ठा होती है, अति पराकाष्ठ होता है और सदन के अंदर इस पर चर्चा करके कैसे क्या होना चाहिए, पर मुख्यमंत्री को रोज चुनावी जगह पे जाना, यहाँ पे असम जाना, अभी वहां जाना, तो चर्चा करें कैसे इसके ऊपर स्टैंड के ऊपर वो पाया जा सकता है, किस तरह की स्थितियां, सबको अवेयर कैसे करा जा सकता है, सारी चीजें सब करें, सब हर व्यक्ति कर रहा है अपनी तरफ से अवेयरनेस करने का काम, और ये गतिविधियां हमेशा चलती है, उन गतिविधियों में क्या सिर्फ ये की विपक्ष का रोज गाली देना, कर्जा माफ हम नहीं करेंगे तो बोले विपक्ष को गाली दो, ये नहीं करेंगे तो अब विपक्ष को गाली दो, हर चीज के अंदर जो लोग अब राजस्थान से चिंता कर रहे थे, राजस्थान में अपने आप से 3 गुना ज्यादा टेस्टिंग हो चुकी है, वहां की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में कितनी बड़ी टेस्टिंग हुई है, यहाँ पे आप टेस्टिंग करा नहीं रहो, जो टेस्टिंग ट्रेसिंग और इसका जो तरीका है उसको आप करने को अपना नहीं रहो, बस भाषण मार, अरे मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है इस पर चर्चा करो, तो महाराष्ट्र में क्या, राजस्थान में क्या, वहाँ पे यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कानून व्यवस्था गत्तर हो रही है उस पर चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ भोपाल में बलात्कार होता उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार की स्थिति, रोज 13-16 बलात्कार हो रहे हैं, सदन में जवाब देंगे और बात पश्चिम बंगाल में देंगे कि वहां पे राम राज्य है और यहाँ पे हम ठीक कर देंगे, और पश्चिम बंगाल बड़ी बड़ी झूठ बोलने की जो मशीनें हैं इनको बंद करके सही तरीके से करना, उसको कैसे करा जाए, कैसे इसके ऊपर करा जाए, कैसे लोगों को वैक्सीन पहुंचाई जाए, कैसे लोगों को वैक्सीनेशन करने का काम किया जाए, देश के अंदर जितनी वैक्सीन लगी उससे ज्यादा आपने बाहर एक्सपोर्ट करने का काम, पहले देश के लोगों को लगा देते फिर एक्सपोर्ट करने का काम कर देते, पाकिस्तान का इतना प्रेम की उसको दे दी है वैक्सीन, पर मध्य प्रदेश की जनता को क्यों नहीं दे रहा, पहले जनता को दो ताकि अच्छा रहे और कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधि भी नहीं रुके, लोगों के काम भी, ऊपर पाकिस्तान से बड़ा प्रेम है, कभी बिरयानी खाने जाते हैं, कभी जन्मदिन मनाने जाते हैं, व्यक्ति मध्य प्रदेश देश की जनता की बजाय, और हमारे मुख्यमंत्री अपने हक और अधिकार की बात करने की जगह तो स्तुति गान करते हैं, भाषण देने का काम करते हैं, अरे बात करें हाथ में हाथ डाल के मध्य प्रदेश की जनता को वैक्सीन दीजिए, आप पाकिस्तान से पहले रजनीश जी जुड़े हुए हैं, आपके सारी बातें सुन रहे हैं, रजनीश जी जिस तरीके से कुणाल जी ने कहा है कि वैक्सीनेशन कम हो रहा है और वैक्सीनेशन आप मध्य प्रदेश को ज्यादा मिल सकता था लेकिन एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं, दूसरा उन्होंने सवाल खड़ा किया कि आप टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं इसलिए तो ये कोरोना के पेशेंट एकाएक बढ़ जाते हैं और एकाएक घट जाते हैं, यानी स्वास्थ्य विभाग पर और सरकार पर सीधा सीधा सवाल खड़ा कर दिया उन्होंने। देखिए पहली बात तो ये है कि वैक्सीनेशन में 65 देशों को हमने वैक्सीन भेजी है और बिल्कुल हम गौरव का अनुभव करते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों वायरोलॉजिस्ट के कारण जो वैक्सीन दोनों कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो आई है उसके कारण हमने 65 देशों को लोगों के लिए भी भेजा है और हमारे देश के लोगों को भी जो टारगेट ओरिएंटेड हमने वैक्सीनेशन किया है चल रहा है उसकी सर्वत्र दुनिया में सराहना हो रही है सिवाय कांग्रेस और इनके चंगू मंगू के अलावा जो उनके दूसरे वामपंथी सपनवती से राहुल वती से चलने वाले लोग हैं उनके अलावा, कमलनाथ जी जरूर थोड़े समझदार हैं, उन्होंने समझदारी का परिचय दिया है और वैक्सीन के प्रति निगेटिविटी ना अपनाते हुए उन्होंने पॉजिटिविटी के साथ में और अपना खुद का वैक्सीनेशन भी करवाया है। वैक्सीन पर सवाल खड़े करने वाले कांग्रेसी चाहे वो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हों या मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी हों, और मध्य प्रदेश में 5 लाख हर दिन का टारगेट लिया और उसको पूरा करने के लिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वयं मैदान में हैं कांग्रेस केवल सवाल खड़ा करने के लिए आरोप लगाने के लिए, वैक्सीन पर जिसको बनाया हमारे वैज्ञानिकों ने वायरोलॉजिस्ट ने उस पर सवाल खड़ा करने के लिए, टेस्टिंग पर भी सवाल खड़ा किया, मैं सब पे बात कर रहा हूँ, एक एक पर बात कर रहा हूँ और जो सरकार के आंकड़े हैं जो सरकार के पाकिस्तान को भी देंगे 65 देशों को भी देंगे वैक्सीन दिया है, अब मैं जवाब दे दूँ इनकी काय कचर बंद हो जाए तो काय टू बंद हो जाए तो। दूसरी बात यह है कि राजस्थान के गृह मंत्री ने कांग्रेस की बात, अरे भाई मैं बोल लूं क्या, मैं बोल लूं क्या, रजनीश जी को जवाब तो देने दीजिए, बुखार उतर गया हो तो बोल लूं महेंद्र जी मैं बोलूं क्या, कुणाल जी थोड़ा सुन तो लीजिए वो क्या बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं वो आपकी बात का, आपने जो सवाल खड़े किए वो सारे जवाब दे रहे हैं, एक एक पे जवाब
बौखलाहट में है ये लोग। अरे काहे कचर क्यों कर रहे हो भैया, क्यों बौखलाए हुए हो, जरा सुन लो ना शांति से, बौखलाते क्यों हो शांति से सुन लो। दूसरी बात, इन्होंने कही अपराधों की, अपराधों की कही बच्चियों पर सबसे ज्यादा अपराध, और मैं कांग्रेस की बात इन्होंने बोला है, कुणाल जी ने अपराध पर भी बोला है। अभी सरकार में आप हो ना, क्यों नहीं बोला? बोला बोला, अभी अपराध पर भी घेरा है सरकार को। कुणाल जी सुनते नहीं, बोलते रहे हैं, रजनी जी को बोलने तो दीजिए यार। क्योंकि तो बौखलाए हुए सन्नाए हुए लोग हैं, सनकी प्रवृत्ति के लोग हैं, और यही गृह मंत्री बच्चियों के प्रति अपराध देश में सबसे ज्यादा करने वाला राज्य राजस्थान है। राजस्थान का गृह मंत्री कांग्रेस का नेता मीडिया को बोलता है कि ऑनलाइन क्लासेस चलने के कारण बच्चों में इस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिसकी सर्वत्र भारत वर्षना हुई है। तो बच्चियों के प्रति अपराध, महिलाओं के प्रति राजस्थान सरकार में हुए हैं। दूसरी बात, ये टेस्टिंग की बात कर रहे थे, टेस्टिंग के आंकड़े राजस्थान, महाराष्ट्र और केरल, रिकवरी के आंकड़े महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल, जो खुद उनके राज्य के हैं, भाजपा के नहीं या केंद्र की सरकार के ने जो इन राज्यों ने दिए हैं, और उसके साथ साथ में संक्रमण की दर के आंकड़े, और मार्च से लेकर और इस मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 तक के भी आंकड़े, उन सब में मध्य प्रदेश की स्थिति सबसे ज्यादा बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है। शराब दुकान की बात बार बार कर रहे हैं कुणाल जी, शराब दुकान की। और दूसरी बात, तीसरी बात है, शराब इनको चाहिए, शराब ले लें, यहाँ मेडिकल की सुविधाएं दी, अस्पताल की सुविधाएं दी, बाकी सुविधाएं भी दी है, और जो तमाम प्रकार के प्रबंध सामाजिक और आर्थिक कारणों से सरकार ने किए हैं, वो किए। इनको शराब में इंटरेस्ट है, शराब ये जब जाना चाहे लेना चाहे। नहीं, 12 बजे तक समय क्यों करा गया, ये सवाल है उनका। जो समय निर्धारित है वो सरकार ने किया है, और सामाजिक और आर्थिक कारणों के कारण किया है कि शराब इनको दिक्कत है, विरोध करें। हम तो जो हमने प्रबंध किए हैं वो तो रहे विरोध, सदन में करा, लॉकडाउन रहेगा, लॉकडाउन रहेगा, और लॉकडाउन में कांग्रेस ही अगर अराजकता फैलाने का काम करेंगे तो लाठी चार्ज भी होगा और प्रकरण दर्ज भी होंगे। बिल्कुल, इससे कहीं कोई अराजकतावादी माहौल क्योंकि सरकार में रहते हैं तो अराजक बनाते हैं, और बाकी रहते तो अराजक बनाते हैं। ये विध्वंसकारी सरकार के वैक्सीनेशन के बारे में भी। चलिए चलिए, एक लास्ट कमेंट प्रदीप जी आपका, आपने सुना रजनीश जी ने कुणाल जी के सवालों का जवाब दिया। कुणाल जी वही बात बार बार बोल रहे हैं कि आखिर 12 बजे तक शराब दुकान खोलने का क्या औचित्य। प्रदीप जी लास्ट कमेंट। नहीं, मेरा तो ये मानना है कि कुणाल जी सीनियर लीडर हैं और अभी विधायक वर्तमान में है, युवा कांग्रेस के लीडर भी रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी की जब सरकार है और विपक्ष में आप हैं तो इस मुद्दे को आप उठाना चाहिए। हमको लगता है इसका विरोध होना चाहिए, कड़ा विरोध होना चाहिए कि भाई अगर दुकानें खुल रही हैं 11 बजे तक या 12 बजे तक शराब की दुकानें, तो इसका विरोध तो होना चाहिए, सामाजिक विरोध होना चाहिए इसका। लॉकडाउन अगर हुआ है और खाली शराब की बिक्री हो रही, बकाया दुकानें बंद की जा रही हैं, तो विपक्ष की भूमिका क्या है? विपक्ष को तो इसमें जनता के साथ मिलकर और प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे सरकार को ये मोटिव मिले और सरकार इस पर कोई कठोर कार्रवाई करने का प्रयास करे। फिर भाई दुकानें बंद कराने का कोई ना कोई नियम और प्रावधान लाएगी। अब अभी क्या है, सरकार को कोई चिंता ही नहीं है, विपक्ष बोल नहीं रहा है, आम जनता को कोई तकलीफ नहीं है, तो मुझे कुणाल जी तो बोलते हैं, कुणाल जी तो विधानसभा में भी बोलते हैं, आपने देखा होगा प्रदीप जी। बिल्कुल बिल्कुल, विधानसभा में बोले लेकिन पब्लिक के बीच में भी तो आनी चाहिए ना। विधानसभा की बात, विधानसभा तो कितने दिन चली, विधानसभा चली ही नहीं बहुत ज्यादा, और जितना चलाना था उसमें उतनी सारी चीजें नहीं आ पाई, तो मुझे लगता है कि जनता के भी बीच में जाना चाहिए, जिसको ये समस्याएं हैं, जिसको शराब से समस्या हो या इन दुकानों से समस्या हो, लॉकडाउन से समस्या हो, उसके बीच में अगर ये बातें रखेंगे तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बेनिफिट होगा कांग्रेस। बिल्कुल कुणाल जी, आपको जो है सड़क पर आना चाहिए इस मुद्दे को लेकर। हालांकि रजनीश जी ने आपके सारे सवालों का जवाब दिया, आपने जितना उन्हें बोलने दिया, फिर भी नहीं करा उन्होंने, मतलब शराब की दुकान का नहीं दिया, टेस्टिंग का नहीं दिया, पाकिस्तान को क्यों दी, क्यों मध्य प्रदेश को नहीं दी, इसका नहीं दिया, और बिल्कुल इधर उधर की बात जो करते रहे, कुछ नहीं भैया, ये बिल्कुल जनता की गाड़ी कमाई को लूटने की एक नई तैयारी और है, कैसे जनता के नाम से पैसे को दिए गए। ठीक है, एक लास्ट कमेंट रजनीश भी ले लेते हैं बातों पर। रजनीश जी चलिए,
तो आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े तीनों मेहमान बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया रजनीश जी आपका, शुक्रिया कुणाल जी आपका, शुक्रिया प्रदीप जी। तो बात वही कि अब हम एक साल बाद फिर से वही हाल, यानी मार्च अभी चल रहा है और पिछले मार्च की यादें फिर से ताजा होने लगी हैं। कल लॉकडाउन है 3 महानगरों में मध्य प्रदेश के, और 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का भी प्रावधान सरकार ने कर दिया है। इसके अलावा आप देखें कि मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना, नाइट कर्फ्यू बरकरार। ऐसे में अब विपक्ष तैयार है सरकार पर हमला करने को, यानी कांग्रेस मुस्तैद है कि सरकार जो निर्णय ले रही है वो ठीक तरीके से नहीं ले रही है। फिलहाल देखते हैं क्या होता है, पर आप कोरोना से बचाव के लिए मास्क जरूर पहने। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।